हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि LG यूनिट का जो वायरिंग है वो किस तरीके से होता है, वो आज हम देखेंगे। LG यूनिट स्प्लिट AC का 2 टन का जो AC है उसका वायरिंग आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करना है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इतना भारी नहीं है। कोई भी चीज़ इतना भारी नहीं होता है जितना हम समझते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज़ आसान होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। लेकिन हमें परफेक्ट नहीं बनना है, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक मैंने फ़ैन मोटर बनाया है, यहाँ पे कैपेसिटर बनाया है जिसका ये हर्मेटिक है, फ़ैन है और कॉमन है, ठीक है। और कंप्रेसर भी आप देख सकते हैं जिसका स्टार्टिंग रनिंग कॉमन भी मैंने निकाल दिया। और ये यहाँ से 220 वोल्ट जो है हमारा इन कर रहा है। ये HVTB है, इसको हम लोग HVTB बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इन कर रहा है 220 वोल्ट, और किस तरीके से इसका वायरिंग करेंगे हम लोग वो आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखें, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पूरा वीडियो को आखिर तक देखें फ्रेंड्स। जब तक आप किसी भी चीज़ को पूरा नहीं समझते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो कंप्रेसर का जो कॉमन वाला जो पॉइंट है, कॉमन वाला वायर, वो हम मेन जो टर्मिनल ब्लॉक है उसके फेस में ला करके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर कंप्रेसर का जो बच गया 2 वायर, ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग। अभी हम कंप्रेसर का पूरा वायरिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो कॉमन को तो सी को हमने फेज में ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और रनिंग को हमने जो है कैपेसिटर के कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। बच गया स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग को देखिए हम लोग हर्मेटिक में जाके कनेक्ट कर, इसे मैंने H से डिनोट किया है शॉर्ट में। तो ये हमारा कंप्रेसर का जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया, और न्यूट्रल तो हमें देना है ना, तो न्यूट्रल को हम लोग कॉमन में दे देंगे। न्यूट्रल को जब भी हम देते हैं तो कंप्रेसर के रनिंग के साथ देते हैं, ठीक है। तो रनिंग वाला आपको दिख रहा होगा कि रनिंग वाला जो कंप्रेसर का वायर है वो कॉमन में दिया है और कॉमन में न्यूट्रल को भी दिया है। तो कंप्रेसर का वायरिंग जो है कंप्लीट अभी हो गया। फ़ैन का हम लोग वायरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये फ़ैन से जो है ना फ्रेंड्स 3 वायर निकलते हैं, ब्लैक, ऑरेंज और येलो। तो ब्लैक को हमने फेज में दे दिया, ब्लैक को भी फ़ैन मोटर का जो ब्लैक वायर है उसको भी हम लोग कॉमन को यानी फेज में हम कनेक्ट कर देंगे। और वाई येलो कलर का जो वायर है उसको हम लोग फ़ैन के साथ ऐड करते हैं। फ़ैन कैपेसिटर में फ़ैन होता है, तो फ़ैन के साथ हम इसे ऐड कर देते हैं। अब आखिर में बच गया ऑरेंज। तो ऑरेंज को हम लोग कहाँ देंगे, तो ऑरेंज को हम लोग कैपेसिटर के कॉमन में देते हैं, ठीक है। फ़ैन मोटर का जो ऑरेंज वायर होगा उसे हम लोग कैपेसिटर के कॉमन में देंगे। तो ये हमारा वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बार इसे रिमाइंड कर देते हैं कि कंप्रेसर का जो कॉमन है उसे फेज में देते हैं, रनिंग को कैपेसिटर के कॉमन में देंगे, और इसी रनिंग के साथ हम लोग न्यूट्रल भी ऐड करते हैं, और स्टार्टिंग को जो है वो हर्मेटिक में देते हैं। फ़ैन का वाई जो है येलो कलर वो फ़ैन में देते हैं, ऑरेंज कलर को कॉमन में देते हैं, और ब्लैक को जो है हम लोग फेज में देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स ब्रीफली समझाने की कोशिश किया है। ये वायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई भी डाउट्स आपको होता है इस वायरिंग में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स HVAC की फील्ड में अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, या फिर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना निकाल के YouTube पर दें, और YouTube पे HVAC वीडियोस को फॉलो करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड।